नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम कॉफी डे एंटरप्राइजेस लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस में बड़ा टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट ऑलरेडी आ गया है एंड आने वाले टाइम में फर्दर और मूव भी आ सकता है। जिस टाइप का प्राइस सेटअप यहाँ पे शो कर रहा है, किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है, क्या रिस्क डिफाइन करना है, डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे वह एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का, जो कि क्यूएसआर का इंडस्ट्री है होटल्स का। देखिए, जो स्टॉक का मार्केट कैप है अराउंड 1400 करोड़ के आसपास है एंड इस कंपनी के पास रिजर्व कैश है मार्केट कैप से डबल, जो कि 2880 करोड़ के आसपास, जो कि पॉजिटिव साइन है। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 66 एंड इसका जो बुक वैल्यू है 146। करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू का हाफ दाम में चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू बन रहा है 0.45, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे 0.52, किसी भी स्टॉक का डेप्ट इक्विटी बिलो 1 आप उसको मैनेजेबल कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक का पी अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे अर्निंग कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव नहीं आ रहा है, क्योंकि जब लॉस आ रहा है बहुत ही बड़ा आ रहा है एंड जब प्रॉफिट आ रहा है बहुत ही लो आ रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव मार्क है। अगर लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे यहाँ पे -25% एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे 40%। अगर अब हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे तो सेल्स देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट अभी भी वोलेटाइल है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। जब लॉस हो रहा है 400 करोड़ का नहीं तो 200 करोड़ का, जो प्रॉफिट हो रहा है ओनली 10-12 करोड़ का, जो कि है एक नेगेटिव मार्क इस कंपनी के लिए। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में उससे बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि देखिए सारा माल जो है यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास है 88.7% एंड पब्लिक कैटेगरी में यहाँ पे बिग इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं ओनली 14%। तो 88-14 74% यहाँ पे हमारे जैसा रिटेल पब्लिक होल्ड कर रहे, तो कंपनी का ऑफिशियल जो मालिक है अभी के लिए रिटेल पब्लिक है, जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर ओनली होल्ड कर रहे 10.53% के आसपास, FI के पास ओनली है 0.76% एंड DI के पास माल यहाँ पे 0 है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत यहाँ पे ख़राब है। जैसे कि हमको प्राइस का कैरेक्टर पता है, प्राइस हमेशा से फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। अगर आगे आने वाले टाइम में इस कंपनी का सेल्स एंड EPS में कुछ ग्रोथ आने वाला होगा ना, प्राइस उससे पहले मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है। जैसे कि स्टॉक का प्राइस में अभी दिखाई दे रहा है कि बड़ा टाइम फ्रेम का एक रिवर्सल। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन है कॉफी डे एंटरप्राइजेस का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए, प्रीवियसली जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेकआउट किया था, ऑलरेडी हम यहाँ पे कवर किए थे जब स्टॉक का प्राइस 50-52 के आसपास चल रहा था। उसके बाद देखिए कंटिन्यूएशन मूव चल रहा है। प्रीवियस एनालिसिस का जो वीडियो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे आप डिटेल में समझ पाएंगे कि कैसे प्राइस एक रेंज को ब्रेक करने के बाद आप एंट्री कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर कर देखिए, प्राइस यहाँ पे 2015 से 2019 एक रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था। कंसोलिडेशन के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के बाद एक डाउनफॉल अभी हमको देखने को मिला था एंड फाइनल देखिए प्राइस यहाँ पे एक रेंज के अंदर खुद को कंसोलिडेशन किया, एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो किया एंड यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट किया था, जो कि हमारा था RRR स्ट्रैटेजी। क्योंकि प्राइस देखिए यहाँ पे था रन, रिट्रेस्ट एंड रन, इस पॉइंट को जैसे ही हाई किया हमारा एंट्री यहाँ पे 50 के आसपास था एंड RRR स्ट्रैटेजी क्या है उसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जैक्ट देखिए प्राइस यहाँ पे इस डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक करने के बाद ये ऑप्टर यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है एंड अगर आपके पास है तो आपको होल्ड करना चाहिए, अगर फ्रेश एंट्री करना है तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग है वहाँ पे ब्रेक होने दीजिएगा। जो यहाँ पे स्विंग है ये बना है नियरली 68 का, जैसे ही प्राइस इस हाई को ब्रेक कर लेगा आपका जो प्रीवियस स्टॉप लॉस है आप इधर ट्रेल कर सकते हैं, नहीं तो क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका 50 के आसपास एंट्री है, फ्रेश एंट्री करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा जब स्टॉक का प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगा, लेकिन इस टाइप का स्टॉक में आपको हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज करना है एंड स्ट्रेट स्टॉप लॉस देना है, क्योंकि इस टाइप का स्टॉक आपको हाई रिवॉर्ड भी देगा एंड रिस्क भी हाई रहेगा।
इसलिए प्रीवियस लो के आसपास एक टाइट स्टॉप लॉस को प्लेस हो सकता है अगर उस हाई को ब्रेक कर लेता है, एंड ये सेटअप फेल हो जाएगा अगर प्रीवियस लो को प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर लेगा तो। एंड प्रीवियस वीडियो में हम डिटेल्स में सब सीनियर को एनालिसिस किए थे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्लियर कट देखिए जिस टाइप का यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक करके हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस टेस्ट कर सकता है 85, जो कि यहाँ पे स्विंग हाई बना है। फर्स्ट टारगेट 85, अगर 85 के ऊपर सस्टेन करेगा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 190 के आसपास, क्योंकि प्रीवियस देखे जो 190 का लेवल यहाँ पे था सपोर्ट, जैसे ही प्राइस यहाँ पे उसको ब्रेकडाउन कर दिया है वही लेवल अभी के लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो शॉर्ट टर्म में 85, अगर 85 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 190 भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन हमेशा से मार्केट के कंडीशन के हिसाब से इस टाइप का स्टॉक का कैरेक्टर भी बदल जाता है, उसी अनुसार आपको क्वांटिटी एंड रिस्क को भी मॉडिफाई करना है। अगर अभी हम रेशियो चार्ट देखेंगे कॉफी डे वर्सेस निफ्टी 500 का, तो यहाँ पे तो रेशियो चार्ट देखिए जो डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा था उसको भी ब्रेकआउट कर चुका है। देखिए जो डाउन ट्रेंड चैनल चल रहा था रेशियो चार्ट उसको ब्रेकआउट कर दिया है, एंड रेशियो चार्ट भी यहाँ पे ट्रिपल आर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है, रन रिट्रेस्ट एंड रन। तो यहाँ पे रेशियो चार्ट में भी आउट परफॉर्मेंस का सिग्नल देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग है इस कंपनी का वही शेयर होल्डिंग पैटर्न का, सेकंड हो गया ईपीएस का, नहीं तो टेक्निकल बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट है प्रॉपर पोजिशन साइजिंग के साथ एग्जिट पॉइंट को डिसाइड करके आपका ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं, एंड हमेशा से खुद का रिस्क को डिफाइन कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।